हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आप लोग के दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों बने रहना हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग हमारी समझ देख के समझ गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इनकी कटिंग बताएंगे, ब्लाउज की कटिंग। क्योंकि ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आसानी से अगर आप सीखेंगे, एक बार दिमाग लगाएंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। और जो हमारी दीदी बहन नहीं पढ़ेंगे वो भी आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि हम भी जब सिलाई करते थे तो दोस्तों तो यह है कपड़ा अस्तर लिए हैं दोस्तों। और मतलब हम पहले अस्तर में ही आपको लोगों को कटिंग बताएंगे। वह ले लिया अस्तर दोस्तों। तो इसको हमें देखो बिछा लेते हैं। तो ऐसे ही हम बिछाएंगे इसको अपने अंदाज से ऐसे हम बिछा लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हमने लिए हैं ब्लाउज। अगर देखो हम ब्लाउज लिए हैं, इंची टेप का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इंची टेप नहीं लिए हैं। तो ये है हमारा गोल गला ब्लाउज। ये देखो ये आगे भी गोल है, पीछे भी गोल है। उसको हम बगल साइड में रख देते हैं और ये कपड़ा को हम फोल्ड कर लेते हैं। तो हम कपड़ा को फोल्ड कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे का थोड़ा एक इंची कपड़ा बड़ा रहता है। क्योंकि और आगे कटिंग होता है तो दोस्तों तो उसमें सिलने में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों हम एक इंची कपड़ा हम आगे थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। तो हम ये देखते दोस्तों, आप इधर दिखाओ। देखो एक इंची कपड़ा हम ज़्यादा लिए हैं, पीछे एक इंची छोटा है। तो दोस्तों हम घर से फोल्ड कर लिए हैं। अब ले लेते हैं ब्लाउज, क्योंकि ब्लाउज की बटन हम देखो ऐसे बंद कर लिए हैं। ब्लाउज की बटन बंद करें तो हमें ऐसे लिए हैं। तो हमें ऐसे नहीं मोड़ना है, पहले पहले हमें ऐसे मोड़ना है। तो हम ऐसे ही पहले से मोड़ लेते हैं और मुड्ढा को हम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि इधर बाजू भी बराबर हमारी हो गई है। तो इधर देखो इसको हम ऐसे रख लेते हैं। बटन हमारी बराबर बंद हो गई दोस्तों। इधर दिखाओ, जूम करके दिखाओ। तो इधर देखो दोस्तों हम बराबर कर लेंगे। इधर हमारी बाजू है, बाजू भी बराबर हो गई दोस्तों। इधर दिखा दो, हम ऐसे पूरा बराबर करके रखते हैं। रख लिए हैं दोस्तों, अभी हम रख लिए हैं। अब ले लेते हैं चाक। चार चाक ले लिए हैं दोस्तों। ये हमारे दुकान के जो किराए की दुकान होती है, जो होती है उससे आसानी से मिल जाता है, जहाँ लाइसेंस मिलता है। तो इसको हम ले लिए दोस्तों। अब इसी से हम खींचेंगे। इधर दिखा दो, ऐसे हम उसको हम चिन्ह लगा लेंगे। छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि नहीं हमारा कपड़ा अगर इधर उधर हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारी ब्लाउज, आप लोग देख सकते हैं। इधर भी बराबर है, उधर मुड्ढा भी बराबर है। तो इसको हम ऐसे यह बाजू बाजू को ऐसे ही हम मोल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी सिलने लग जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हम थोड़ा कपड़ा बढ़ा के ही काटेंगे। हमारा बाजू बाजू दोस्तों अपन जो कुछ नीचे कटा हुआ है, तो यहाँ पर हम कपड़ा बढ़ा के काटेंगे। क्योंकि ये जो पेस्ट होता है जो ये, उससे पहले हम ऐसे आसान से देखते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा 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 करके हमें ऐसे तिरछा लाना, अच्छा लाना है दोस्तों। तो हो गया हमारा। तो यहाँ जो ऑरेंज है दोस्तों, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक मोड़ कर थोड़ा इसे हल्का तिरछा लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे दोस्तों।
जो है हमारा अरेबी, अरेबी हटा दिए, हटा दिए। अब आपको यहाँ से निशान लगाना है तो आधे यार लगाना है। यहाँ पर हम ऐसे केस है जो हमारा केस थोड़ा हल्का तीर्थ हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है ये भी रुको हल्का यहाँ पे लगा देते हैं निशान, निशान लगा दिए दोस्तों। यहाँ हमारे चारों भाग अब इसको हमें कुछ नहीं ही करना है, सिर्फ ऐसे कैंची लेना है कैंची, तो हमें ऐसे चारों पर रखा दोस्तों, इसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। हम लाइनिंग ही छोड़ के काटेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा जब कपड़ा थोड़ा बड़ा ही काटेंगे तभी सही रहेगा। पीछे का पल्ला छोड़ दे रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से थोड़ा छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको अलग करना है, ये आगे का है, आगे का अलग करना है दोस्तों। हमारा आगे का पीछे का कटिंग करनी है दोस्तों। अब इसको हम यहाँ से अलग करेंगे और इसको यहाँ से अलग करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हम इसको यहाँ इतना मोड़ के सिला जाएगा, एक इंची इतना इतना मोड़ के सिलाई होगी। हमारा आगे का दोस्तों ये रहा पीछे का, तो पीछे का है दोस्तों, तो हम अब पीछे का गला यहाँ से काटेंगे। ब्लाउज को हम ऐसे रख दिए थे, तो ये आगे का है तब ऐसे ही इसको ऐसे ही छोड़ करेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे यहाँ पर ही पीछे का। तो कपड़ा बहुत लेंगे दोस्तों, यहाँ से ऐसे हम खाएंगे नहीं। यहाँ से जो ये है दोस्तों यहाँ पर इधर दिखा दो, ये आगे आ रहा है बटन का है, तो इसको इधर इतना हम ज़्यादा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब कपड़ा भसक जाता है, क्योंकि आजकल का कपड़ा बहुत भसकता है, इसे इधर आधा इंच इधर सिला जाएगा तो आधा इंच इधर सिला जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा पीछे का गोल वाला, दोस्तों आपको हम दिखाते हैं। हमारा एकदम गोल हो जाएगा दोस्तों, तो थोड़ा से मिस्टेक नहीं रहेगा। हमारा एकदम गोल है दोस्तों,
लोग देख सकते हैं, एकदम गोल गला, इसी को बोलते हैं गोल गला। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। बाय बाय।